अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि हम आईपी एड्रेस किस तरह राउटर का फाइंड कर सकते हैं विंडो 7 और विंडो 10 को चलाते हुए। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, क्लिक द स्टार्ट बटन लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, देन टाइप कमांड प्रॉम्प्ट CO। ये लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। मैंने उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आप इसका फुल एडवांटेज ले सकते हैं। अब मैंने इधर टाइप करना है IPConfig /all। अब जो है हमने नोट डाउन करना है डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है इसमें से। मैं इधर से ऐसे लिख लेता हूँ, कंट्रोल एफ़ किया मैंने, इसको कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल एफ़ किया, ये आ गया फाइंड का DEFAULT। डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग टाइप की है तो ये आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ये है, ये हमारा वैसे ही वर्चुअल अडाप्टर बना हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारा जो है वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई है और ये वाईफाई यूज़ हो रही है। तो मैंने इस राउटर का मुझे आईपी एड्रेस नहीं मालूम, तो ये सिर्फ मैं जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे देखूंगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये जो है हमारे राउटर का आईपी एड्रेस होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये रहा डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब मैं वाकई ही कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये वाकई ही उसका एड्रेस है राउटर का, हमारे जो लोकली जो राउटर का एड्रेस है वो वाकई यही है। तो मैं इधर आके टाइप करूँगा 192.168.8.1। ले जी, ये हमारा राउटर जो है ओपन हो गया। यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे सेटिंग, और यहाँ पे सिस्टम, और ये लैन। और ये डब्ल्यू लैन सेटिंग। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नई से नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।